महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या दृष्टीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चर्चेच्या फैरी झडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसची आज पुन्हा बैठक झाली आहे. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीला राष्ट्रवादीचे सगळे बडे नेते हजर होते. राष्ट्रवादीने आपला निर्णय काँग्रेसच्या निर्णयानंतर जाहीर करण्याची भूमिका घेतली आहे. आजच्या बैठकीनंतर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महत्वाच्या नेत्यांची बैठक झाली. काँग्रेसच्या कमिटीची सुद्धा बैठक झाली आहे. काँग्रेसचे नेते पुन्हा 4 वाजता बैठक घेतील. त्यामुळे काँग्रेसचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही निर्णय जाहीर करणार नाही. पर्यायी सरकार निर्माण करणार ही आमची जबाबदारी आहे. 3 पक्ष एकत्र आल्याशिवाय महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होऊ शकणार नाही. शरद पवार मुंबईत आहे, ते दिल्लीला जाणार नाहीत. काँग्रेसचा निर्णय आल्यानंतर आम्ही आमचा निर्णय जाहीर करू असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. पाहूया. कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार बन चुकी है, ऐसी कोई भी बात मैं अधिकृत तौर से कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं हुई है. जो भी कुछ आगे बात अभी आज हम मिल रहे हैं, अब इस परिस्थिति का हम अध्ययन करेंगे और कोई जल्दबाजी में, क्योंकि ये कोई सरकार बनाने का और ये भी कोई प्राकृतिक सरकार नहीं होगी, कोई दूसरे लोगों के साथ बनाने की बात आएगी तो उसमें हमारी तैयारी है, कितने हद तक है नहीं है, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे. लेकिन आप लोगों की बड़ी मांग थी कि एनडीए से बाहर निकले. सकुल भाई देखिए, देखिए ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई अधिकृत कोई ऐसी बात, हमने कोई विधान नहीं किया है. हमारा अधिकृत विधान इतना ही है जो शरद पवार जी ने दिया था कि हमारे पास जनमत नहीं है, जिनको जनमत है उन्होंने सरकार बनाना. अब वो नहीं बना रहे हैं उस परिस्थिति में, अब राजनीतिक परिस्थिति क्या होगी, कैसी होगी, निर्माण होगी. और ऐसा आप मत समझिए कि कोई सरकार बनाना कोई एक मतलब ये नहीं हुआ तो इधर का उधर जोड़ दिया और सरकार बनाना, ऐसी कोई सरकार देखिए महाराष्ट्र की जनता की भी बहुत अपेक्षा है. ये सरकार कोई भी किसी के साथ भी बनाकर, कल हम सरकार में रहकर अगर किसी के साथ जाते हैं तो सरकार की लोगों की अपेक्षाओं को हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रश्न हैं. इसलिए कृपया करके कोई अटकलें ना लगाएं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई भी हमने अभी भूमिका, सरकार में जाना नहीं जाना, किसी को साथ देना नहीं देना, इस पर कोई भी चर्चा हमारी हुई नहीं है. नहीं नहीं आम्हाला स्पष्ट आम्ही सांगितलेलं आहे पवार साहेबांनी पण की आघाडीमध्ये निवडणूक लढत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष एकसंग निर्णय घेणार आणि आम्ही काँग्रेसला विश्वासात घेऊन जे काही निर्णय होत असेल ते निर्णय काँग्रेसला विश्वासात घेऊन आमचा निर्णय आम्ही जाहीर करू.